अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो वी आर स्टार्टिंग अगला टॉपिक हमारा जो कि है हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म आपको पता है कि जब बॉडी में टी3 टी4 हार्मोन्स का लेवल लो होता है उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। अब सबको पता है बहुत टिपिकल सी कुछ बातें हैं, ये क्वेश्चन ना बहुत 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 ज्यादा आते हैं और इसमें से वो आपसे मतलब कई बार आप कह रहे होते हैं ना कि क्लिनिकल फीचर्स को स्किप कर दो, इसमें से वो आपसे पूछते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद बहुत दफा ऐसा हुआ है कि अगला सवाल पूछते हैं कि नेम 3 क्लिनिकल साइंस एंड 3 सिम्टम्स जो आपको नजर आ रहे हैं एंड इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट तो पूछना ही पूछना है। या फिर आपसे पूछ लेंगे कि व्हाट आर द कॉमनेस्ट कॉजेज, मतलब वो आपसे ये पूछते हैं, इसलिए ये आपने ध्यान से करने क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है हाइपोथायराइडिज्म। तो बातें तो सारी वही है, जरा से उनको रिपीट कर लेते हैं। हाइपोथायराइडिज्म मैंने बता दें कि T3-T4 हार्मोन का लेवल जब बॉडी में कम हो जाता है। अब बॉडी में T3-T4 हार्मोन का लेवल सबसे पहली बात जो कम हो सकता है वो ये कि थायराइड ग्लैंड खुद ही प्रोड्यूस नहीं कर रहा T3-T4। अब वो खुद क्यों नहीं प्रोड्यूस करेगा, जो खुद नहीं प्रोड्यूस करता उसको प्राइमरी कहते हैं एंड मोस्ट कॉमन इज प्राइमरी, ठीक है। अब वो पहली बात जो खुद नहीं प्रोड्यूस कर सकता उसमें हमारे पास आ जाती है कि इसके जो T3-T4 हार्मोन जिधर बनना है उस जगह को अगर कोई एंटीबॉडी आके डिस्ट्रॉय कर देगी तो जाहिर सी बात है कि वो सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जहां पर ये बनना था, तो वो नहीं बना पाएगा। तो इसको हम कहते हैं हशिमोटोज ऑटो इम्यून डिजीज। हशिमोटो ऑटो इम्यून डिजीज में खुद ही ग्लैंड के सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और T3-T4 नहीं बनते। इट इज वेरी कॉमन। लेकिन इसको इससे भी ऊपर कॉमन कॉज कहां पर आ जाती है, उन लोगों में आ जाती है जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जो माउंटेनियस एरियाज के, हमारे यहाँ गिलगित या कश्मीर वगैरह में, जहां पर सॉल्टी या सी वाटर इस्तेमाल नहीं होता। सी वाटर में आयोडीन की अच्छी खासी अमाउंट होती है, लेकिन जो माउंटेन का वाटर होता है पहाड़ी पानी, उसमें आयोडीन डेफिशिएंसी होती है। तो क्योंकि वो लोग वहां का पानी इस्तेमाल करते हैं तो उनमें आयोडीन डेफिशिएंसी होती है, और ज्यादातर पहाड़ी इलाकों के लोग आपके पास जो गोइटर या फिर हाइपोथायराइडिज्म के फीचर्स के साथ आते हैं वो आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म होता है। आयोडीन होगा ही नहीं, ग्लैंड को आयोडीन मिलेगा नहीं, तो T3-T4 बन नहीं सकते। तो जाहिर सी बात है कि पेशेंट को हाइपोथायराइडिज्म होगा। तो जिन एरियाज में आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक नहीं है, यानी कि जो आपके जितने भी प्लेन एरियाज हैं वहां कोई आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक नहीं है, उस जगह पर सबसे कॉमन कॉज हशिमोटोज है। और जहां पर आयोडीन डेफिशिएंसी एंडेमिक है, कहां है, पहाड़ी इलाकों पे, वहां पर मोस्ट कॉमन कॉज इज आयोडीन डेफिशिएंसी हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये होती है कुछ प्राइमरी कॉजेज, और जनरली प्राइमरी ही सबसे ज्यादा रूल आउट करते हैं। उसके बाद प्राइमरी के बाद वी कैन हैव सेकेंडरी कॉज। सेकेंडरी कॉजेज में सबसे पहली कॉज हो सकती है कि पीछे से पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH नहीं आ रहा। TSH ने आना है तो T3-T4 ने रिलीज होना है। अगर पिट्यूटरी की कोई डिजीज है, कोई ट्यूमर है ब्रेन में, कोई कंप्रेशन है पिट्यूटरी को, जिसकी वजह से TSH रिलीज नहीं कर रहा है, एनी डिजीज, तो उसकी वजह से नहीं रिलीज होगा T3-T4, तो ये आपका वन ऑफ द सेकेंडरी कॉज में आ जाता है। फिर हो सकता है कि कोई थायराइड ग्लैंड की ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें आपने मेजर पोर्शन ऑफ ग्लैंड निकाल दी है, अब जो बाकी बेचारा थोड़ा सा बचा है वो इतना काबिल ही नहीं है कि वो पूरी बॉडी की नीड्स को पूरा कर सके, तो उसकी वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो सर्जरी ऑफ द ग्लैंड, या आपने रेडियो एक्टिव आयोडीन एब्लेशन की है। अब रेडियो एक्टिव आयोडीन से क्या करते होते हैं, आप आयोडीन 131 देते हैं और उससे आप अपने ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो वो जब आपने डिस्ट्रॉय कर दिया तो बाकी बचा ही नहीं कि T3-T4 पड़े, तो ये तो आपने खुद अपनी मर्जी से किया। तो इसको हम आयोट्रोजेनिक कॉजेज ऑफ कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जो कि खुद इंड्यूस किए जाते हैं। उसके अलावा हो सकता है कंजेनिटल। कंजेनिटल का मतलब होता है कि या तो ग्लैंड सही से बन ही नहीं सका था, या डिसहार्मोनोजेनेसिस थी कि बन गया लेकिन हार्मोन सिंथेसिस उसमें नॉर्मल ना हुई, ठीक है। तो ये कुछ कंजेनिटल से कॉजेज हो जाते हैं। उसके बाद होते हैं हमारे पास एक ट्रांजिएंट थायरॉइडाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाती है, ठीक है। उस इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में थायराइड ग्लैंड नॉर्मली प्रोड्यूस करता है, तो उसमें आपने बहुत जरूरी याद रखनी है डीक्वर्वेंस थायरॉइडाइटिस बहुत आता है। अभी मैं इसको अलग से भी पढ़ूंगी, बहुत इंपॉर्टेंट एंटिटी है जिसको आप लोग सब एक्यूट थायरॉइडाइटिस भी कहते हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देन कुछ आपकी अनकॉमन सी डिजीज होती है जिसमें अमायलोडोसिस, रिडल्स या सार्कोइडोसिस जो एसोसिएटेड हाइपोथायराइडिज्म कर सकते हैं, ठीक है। जो मेन मैंने आपको बता दें याद रखनी है। अब क्लिनिकल फीचर्स एक हाइपोथायराइड के पेशेंट में, आपको पता है कि थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में जो फंक्शंस कर रहा है वो नहीं होंगे तो हर चीज का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, क्योंकि हर चीज का मेटाबॉलिज्म इज थायराइड डिपेंडेंट। तो जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है तो इट रिजल्ट्स इन कि सबसे जो कॉमन बातें होती है कि पेशेंट फटीग्ड है, वेट गेन है, लेथार्जी है, और उसके साथ उसको ये वाली जो बातें होती है ना सारी थकावट, स्लो मूवमेंट्स हो जाती हैं, और उसके साथ लेथार्जी है, वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, जो उसकी पल्स रेट है वो स्लो हो जाएगी, ठीक है। हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन आपको स्नैरियोज में मिक्स मिलेगी, मतलब आपके साइंस और सिम्टम्स जब आप देखते हैं ना वहां लिखा हुआ हाइपरटेंशन होता है, लेकिन जब भी स्नैरियो आता है तो उसमें कई बार आप देखेंगे ब्लड प्रेशर इज 90/60 और कई बार आप देखेंगे ब्लड प्रेशर इज 135/90। तो एक तरफ आपका हाइपरटेंसिव की तरफ जा रहा है, एक तरफ हाइपोटेंसिव की तरफ। जनरली आपने हाइपरटेंशन ही लिखना होता है इसके साथ, क्योंकि पल्स जब स्लो होती है तो बॉडी उसको कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करती है। पल्स ब्रेडिकार्डिया हो रहा होता है ना, हार्ट रेट स्लो हो रहा होता है, हार्ट रेट स्लो को बॉडी कॉम्पेंसेट करती है बाय वेजोकंस्ट्रिक्शन, और पेरिफेरल वेजोकंस्ट्रिक्शन जब बॉडी करती है तो उसके रिजल्ट में पेशेंट को हाइपरटेंशन हो जाती है, ठीक है। तो ये फिनोमेना होता है, पल्स रेट, हार्ट रेट स्लो डाउन होता है,
पेरिफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शन होती है एंड रिजल्टेंट हाइपरटेंशन होती है। तो जब आपसे कोई पूछता है ना इसके साइंस या सिम्टम्स क्या, तो सिम्टम्स आपने बताने फटीग, लेथार्जी, पेरिओर्बिटल पफिनेस, आंखें स्वेलिंग होने लग जाती है, पाओं की स्वेलिंग होती है, मिक्सिडेमा हो जाता है, उसके साथ ब्रेथलेसनेस है पेशेंट को, स्लो हार्ट रेट है, और इस किस्म के थोड़े बहुत फीचर्स, बस थिक स्किन है, कोर्स स्किन आ जाती है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, ठीक है, आवाज भी होर्स हो जाती है। अब ये सारी बातें तो सिम्टम्स आ जाती है। साइंस में आपने ना कुछ फेशियल साइंस आपने लाजमी लिखने, फेशियल साइंस में क्या होती है, सबसे पहले फेशियल पफिनेस है, ठीक है, मुंह सूजा हुआ होता है, आंखें थोड़ी थोड़ी सूजी भी होती है, लेकिन वो मून फेशीज नहीं है जो कुशिंग सिंड्रोम में आती है, वो कुशिंग्स की बात है, वो अलग चीज होती है। अच्छा, उसके साथ आपकी होती है पर्पल कलर के लिप्स हो जाते हैं, ठीक है, पर्पलिश होते हैं, एक मैलर रैश होती है, मैलर रैश का मतलब होता है कि एक रैश सी डिफ्यूसी जो फेस पे आपको मिलती है, लेकिन इट इज नॉट लाइक द रैश ऑफ SLE। आप सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस पढ़ेंगे, उसमें कैरेक्टरिस्टिक बटरफ्लाई रैश आती है जिसकी बड़ी क्लासिक होती है, वो नहीं है, उसका नाम बटरफ्लाई होता है, ठीक है। तो ये मैलर रैश होती है फेस पे। उसके अलावा यू गेट लॉस ऑफ फैट, जो आईब्रोज का आपका फैट होता है ना, जहां से थोड़ी सी थिकनिंग होती है, वो बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक सा लूज हो चुका होता है। अच्छा, उसके अलावा आपको क्या साइंस मिलते हैं, एनीमिया मिलता है, वो भी नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, बिकॉज आपकी बोन मैरो में जो ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन है वो भी स्लो डाउन हुई होती है, एनीमिया होगा, ब्रेडिकार्डिया, हार्ट रेट स्लो डाउन है, हाइपरटेंशन है, अगर सवेयर हो तो यू कैन गेट SITs ऑल्सो, जो कि आपका शो कर रहा होता है कि कहीं ना कहीं पोर्टल हाइपरटेंशन भी डेवलप हो रही है, लिवर भी खराब हो रही है, लिवर के फंक्शंस भी लूज हो रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये थोड़े से साइंस और थोड़े से सिम्टम्स आपने लाजमी याद रखने हैं, बहुत सिंपल से, लेकिन आपसे ज्यादा से ज्यादा तीन साइंस या तीन सिम्टम्स पूछते हैं मैक्सिमम, तो इतने आपको पता होना चाहिए। अब अपने इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है, आपसे कहते हैं कि व्हाट आर द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। वैसे तो जहां तक बात की जाए तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन जो डायग्नोस्टिक होती है वो तो सिर्फ सिर्फ सीरम T3 T4 और TSH के लेवल्स ही है, आपको और किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। आप इस पे काफी हद तक 95-99% डायग्नोसिस आराम से बना लेते हैं, बहुत ही कम होता है कि आपको कुछ और करानी पड़े, तो वैसे तो यही गोल्ड स्टैंडर्ड है और यही सबसे अच्छी है। लेकिन जो और हो सकती है मैं बताती हूँ, सबसे पहले तो देख लें कि T3 T4 TSH का क्या पैटर्न होगा। जो हमने कहा हाइपोथायरॉइडिज्म है, इसका मतलब है T3 और T4 डिक्रीज होगा। इसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे क्या है, T4 है, क्योंकि जब भी ग्लैंड हमारा प्रोड्यूस करता है तो T4 ही ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और पेरिफेरल टिश्यूज में जाकर जहां एक्ट करना होता है, कहाँ करना है, सपोज ये कि मसल्स पे एक्ट करना है, तो मसल्स में जाकर रिसेप्टर होता है जो T4 को T3 में कन्वर्ट कर देता है। हमने बात की थी कि T3 का एक्शन ज्यादा पोटेंट होता है, तो पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to T3 हो रही होती है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन T4 की होती है ग्लैंड से और थोड़ी T3 की होती है, इसलिए T4 ही हमारे लिए लीडिंग कॉज होता है कि अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो वी थिंक ये हाइपोथायरॉइडिज्म है, और इसके साथ TSH ज्यादा हो जाएगा, TSH की ज्यादा होगा कि ये कोशिश करेगा कि इसी तरह कॉम्पेंसेट करूं मैं, कि मैं मैसेज भेजूं ज्यादा से ज्यादा ग्लैंड को कि ज्यादा से ज्यादा सेक्रीट करे, लेकिन अगर ग्लैंड के पास एबिलिटी ही नहीं है सेक्रीट करने की तो वो कैसे करेगा। ये एक टिपिकल पिक्चर है प्राइमरी हाइपोथायरॉइडिज्म की। अब जब हमारे पास हो जाएगा सेकेंडरी हाइपोथायरॉइडिज्म, तो फिर आपका TSH भी रिड्यूस होगा, T3 भी और T4 भी, क्योंकि उसमें TSH ही नहीं बन रहा जिसकी वजह से T3 T4 नहीं बन रहा, तो सेकेंडरी में ये होता है। और फिर अगर आपके पास कॉजेज आती है ये वाली रेडियो एक्टिव है, आइट्रोजेनिक की, इनमें भी फिर आपका TSH ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आयोडीन की वो कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा सिक्रीट हो रहा होता है ताकि T3 T4 ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो नॉर्मल जो टिपिकल पिक्चर है वो यही है जो आती होती है आपके पास। अच्छा, नॉर्मल वैल्यूज ना इनकी याद रखनी है आपने, कुछ कुछ जो बेसिक टेस्ट है ना आपके RFTs, LFTs, ब्लड CP की, और ये जो थायराइड फंक्शन टेस्ट है, इनकी नॉर्मल वैल्यूज आपको आनी चाहिए, ठीक है, किसी हद तक ताकि आपका सिनेरियो में आ जाए तो आपको पता हो। और यूनिट्स के साथ ये यूनिट्स कुछ और हो, जैसे जो TSH है नॉर्मल TSH, अब ये भी याद रखना कि फ्री T3 फ्री T4 वैल्यूज भी होती है, ठीक है, हमने टोटल T3 टोटल T4 और टोटल TSH की याद रखनी है। तो टोटल TSH की 0.5 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स पर डेसीलीटर होती है, लेकिन अब ये भी आप जब नेट पे भी देख लेंगे या कहीं और देखेंगे तो थोड़ा बहुत वेरी करती है, कुछ बुक्स लिखती है 0.3 से 4.5 ml, कुछ लिखती है 0.5 से 4.5 मिली इंटरनेशनल यूनिट, सॉरी। तो इस वजह से इतनी सी वेरिएशन की खैर होती है, लेकिन एक जनरल रेंज यही है। जो आपका T4 है ये होता है माइक्रोग्राम्स में, और इसकी वैल्यू होती है 5 to 12 माइक्रोग्राम्स पर डेसीलीटर। अब वही बात है, आपने यूनिट्स का ख्याल रखना है, और ये भी ख्याल रखना है कि फ्री T4 तो उन्होंने नहीं लिखा हुआ, क्योंकि उसकी वैल्यू डिफरेंट है, हम टोटल T4 की बात करें, वो भी माइक्रोग्राम्स में, कुछ जो है वो नैनो में कुछ पीको में वैल्यूज देती है, तो उससे ज्यादा वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, आपको पॉइंट्स में मिल जाएगी, तो इसलिए मैं माइक्रो की बात कर रही हूं। और T3 की वैल्यू हमेशा नैनोग्राम में स्टैंडर्ड ली जाती है, और स्टैंडर्ड नैनोग्राम में जो ली जाती है उसकी एक रेंज है 100 से
200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर। अब आपको कई जगह पर मिलेगी 120 से 190, कई जगह पर आपको मिलेगी 90 से 190, तो इसी रेंज के आसपास सारी लाइक कर रही है। उसकी एक जनरल सी बात मैंने आपको बता दी 100 से 200, तो आपने एक जनरल बात लाजमी तौर पे याद रखनी होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आपने अगला काम क्या करना होता है, PCT4 TSH करा लिया, उसके बाद आपने करनी होती है ECG। डायग्नोसिस आपका इससे होगी हाइपोथायरायडिज्म। ECG आपने देखनी होती है कि कितना ब्रेडीकार्डिया है, क्योंकि अगर ब्रेडीकार्डिया बहुत ज्यादा, हार्ट रेट बहुत स्लो डाउन हो, तो टिपिकल ECG चेंजेस आ जाती है, टी वेव और ST सेगमेंट में चेंजेस आने लग जाती है, तो और आपका जाहिर ब्रेडीकार्डिया में आपको स्लो बीट्स नजर आएंगी ECG पे, तो ECG आपने इससे रूल आउट करनी होती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हाइपोथायरायडिज्म कैन लीड टू इस्कीमिक हार्ट डिजीज। जाहिर है जब आपका बहुत ज्यादा हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगा, तो हार्ट को ही, हार्ट रेट इतना स्लो डाउन होगा तो ब्लड कोरोनरी वेसल्स के थ्रू हार्ट को भी सप्लाई नहीं हो सकेगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि आपकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज डेवलप होने का चांस हो जाता है, और इस्कीमिक हार्ट डिजीज कैन लीड टू इन्फार्क्शन, एंजाइना, एंड देन बाकायदा मतलब आपका MI हो जाता है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस वजह से ECG करना बहुत जरूरी है। ECG आप करते हैं, फिर थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज, ये क्यों करना जरूरी है, मैंने आपको बताया कि सबसे कॉमन कॉज प्राइमरी हशिमोटोस थायराइडाइटिस, और हशिमोटोस थायराइडाइटिस में जो एंटीबॉडीज बनती है वो थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज होती है अगेंस्ट थायराइड पेरोक्सिडेज एंजाइम। तो उनको चेक करने के लिए कि क्या पेशेंट की कॉज हशिमोटो है, आप थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडी कराते हो, तकरीबन आप हर ही बंदे में कराते हैं, क्योंकि जो कॉमन चीज होती है उसको आपने जरूर रूल आउट करना होता है। फिर आपके आ जाते हैं ये थोड़े से नॉन स्पेसिफिक टेस्ट हैं, सीरम एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स में आपके पास आ जाते हैं लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज है, क्रिटिन काइनेज है, AST है, इनमें से जैसे लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज आपके सेल्स की ब्रेकडाउन को इंडिकेट करता है, इसी तरह AST लिवर की स्टेटस को इंडिकेट करता है, और ये भी कुछ आपकी सेलुलर एबनॉर्मैलिटीज को इंडिकेट, तो ये आप वैसे कराते हैं साथ देखने के लिए एसोसिएटेड चीजों को। लिपिड प्रोफाइल में आपको हर हाइपोथायरायडिज्म के पेशेंट में हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो जाता है क्योंकि फैट बॉडी से निकल नहीं रहा होता, जिस तरह लिवर का काम है कि वो आपकी जितना भी एक्सेस फैट है उसको बाइल में लेके जाता है और उसको बॉडी से निकालता है, और किस तरह से बाकी को स्टोर करता है, वो सब नहीं हो रहा था, तो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। ब्लड CP पे आई टोल्ड यू ऑलरेडी कि नॉर्मोसाइटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया मिलता है, और सोडियम का लेवल किडनी बढ़ चुका होता है बॉडी में ड्यू टू डिरेंज्ड RFTs होते हैं हमारे, उसकी वजह से सोडियम कंजर्व हो रहा होता है, ठीक है। तो ये चीजें वैसे मतलब कोई आपकी डायग्नोसिस में हेल्प आउट नहीं इतना कर रही होती, ज्यादा डायग्नोसिस तो ऊपर वाली चीजों से ही हो रहा होता है। और आपसे कोई पूछेगा कि थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन, तो आप देखें सीरम TCT4 1, सीरम TSH 2, ECG 3 और थायराइड पेरोक्सिडेज एंटीबॉडीज 4, बस, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब मैनेजमेंट आपने किस तरह से करनी होती है, मैनेजमेंट का इसका रूल ये है कि आपने देनी तो यही है कि रिप्लेसमेंट करनी, ठीक है। आपको जब कॉज मिल जाती है, सबसे पहली बात होती है हशिमोटोज भी अगर डिजीज है आपकी, या डिजीज आपकी आयोडीन डेफिशिएंसी है, ऐसा डिपेंड करता है। आप अगर आपकी डिजीज है सपोज आयोडीन डेफिशिएंसी हो जैसे, तो आप आयोडीन रिप्लेस करेंगे, पेशेंट की डाइट में आयोडीन ऐड करेंगे, वो खुद ब खुद ठीक होता जाएगा। हम अब बात करें उन चीजों की जिसमें आपका ग्लैंड एबनॉर्मल है और प्रोड्यूस कर ही नहीं रहा, ठीक है। सपोज ये कि हशिमोटोज है पेशेंट को, या उसका थायराइड ग्लैंड हमने रिमूव कर लिया, या उसकी थायराइड ग्लैंड की रेडियो एक्टिव एब्लेशन कर दी है, तो इन सारे कॉजेज में क्या है कि आप ग्लैंड कभी भी दोबारा से अपनी एक्शन को नहीं परफॉर्म कर सकता, क्योंकि वो रहा ही नहीं है, और जो एंटीबॉडीज है वो भी क्योंकि मुसलसल बन रही है, तो उसमें हम ग्लैंड का अपना नॉर्मल फंक्शन रिस्टोर नहीं कर सकते, उसके लिए हमें बाहर से रिप्लेसमेंट ही देनी पड़ती है, वो लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट होती है। अच्छा, लाइफ लॉन्ग रिप्लेसमेंट अब आपकी किस तरह से होती है, आप हमेशा लिवोथायरोक्सिन देते हैं, यानी T4, T3 कभी भी रिकमेंडेड नहीं है, T3 इज लायोथायरोनिन, ठीक है। ये आपकी रिकमेंडेड इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो ये कि इसकी लाइफ हाफ लाइफ बहुत शॉर्ट होती है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा डोजेस इसकी लेनी पड़ती है। दूसरी बात है कि जिसकी शॉर्ट हाफ लाइफ होती है वो बहुत जल्दी पीक करती है, तो एकदम से पीक करने वाले एडवर्स इफेक्ट्स इसके एकदम ज्यादा आते हैं, और कम भी एकदम ही हो जाते हैं, मतलब एडवर्स इफेक्ट्स एकदम हाई पे जाते हैं फिर एकदम नीचे आते हैं, लेकिन वो जो एकदम हाई पे जाते हैं वो हमें प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं। और T4 का ये कि इसकी हाफ लाइफ प्रोलॉन्ग्ड है, तो आप आराम से दिन में एक दफा पेशेंट को एक डोज पे सेटल कर देते हैं, इसके जो एडवर्स इफेक्ट है वो थोड़े आहिस्ता आहिस्ता करके, मतलब जो भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो आराम आराम से करके आते हैं, एकदम से नहीं आते, तो ये इसके मतलब एवरी क्लिनिकल एविडेंस इज इन द फेवर ऑफ लिवोथायरोक्सिन T4। ये आपकी थायरोक्सिन के नाम से भी आती है, थायरोनॉर्म के नाम से भी आती है। अब आपने स्टार्ट कैसे करना होता है, स्टार्ट आपने हमेशा पेशेंट को करना होता है, खासतौर पे जो थोड़े से भी 40+ के 45+ एज के पेशेंट्स होते हैं, 50 माइक्रोग्राम्स पर डे की पहली गोली आपने, क्योंकि 50 माइक्रोग्राम्स की गोलियों के हिसाब से ही आती है, तो 50 माइक्रोग्राम की एक गोली आप उन्हें कहते हैं कि रोजाना खाना शुरू करें, 3 हफ्ते तक वो ये खाते हैं, फिर आप उनकी डोज को बढ़ाते हैं 100 माइक्रोग्राम्स पर डे, फिर 3 हफ्ते तक आप वो खिलाते हैं, फिर आप डोज को बढ़ा देते हैं 150 माइक्रोग्राम्स। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि
100 पे ही सेटल हो जाते हैं तो फिर आप उनको ये कहते हैं कि आपने रोजाना 2 गोलियां खानी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 100 पे जरा भी सेटल नहीं होते तो फिर आप उनकी डोज को 150 मैक्सिमम इज 150 पे तकरीबन सारे लोग ही सेटल हो जाते हैं, 100 से 150 में ही डोज चेंज होती रहती है। अच्छा, उसके साथ अब जरूरी नहीं है कि एक पेशेंट को अगर एक दफा आपने 100 पे सेटल कर दिया तो सारी जिंदगी इसी पे रहेगा, ये बॉडी के मेटाबॉलिज्म का मामला है, चेंजेस आ सकते हैं। हर 6 महीने बाद पेशेंट ने अपना रिपीट कराना होता है, TFT इज रिकमेंडेड, ये कि 6 मंथ्स बाद हो, कुछ लोग कहते हैं कि साल बाद करा लें अगर सेटल चल रहे, लेकिन 6 मंथ्स बाद इज आइडियल, क्योंकि अगर कोई चेंज आ रहा है तो बॉडी में आपको पता चलता है। अच्छा, आपको किस तरह से पता है कि पेशेंट किस डोज पे सेटल होगा या आपको कैसे पता चलता है? कहते हैं कि यंग पेशेंट्स में आप डायरेक्ट 100 से स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से टॉलरेट कर जाते हैं, लेकिन ओल्ड एज पेशेंट्स में आपने 50 से स्टार्ट करना होता है। अब आपको पता कैसे चलेगा? पेशेंट की फेशियल पफिनेस और पेशेंट का जो वेट का मसला है, वेट गेन, वो एकदम से ठीक होगा। पेशेंट डोज लेना शुरू करेगा 2-3 दिन में उसका फेशियल पफिनेस कम हो जाएगी, वेट लॉस होना शुरू हो जाएगा, मतलब नॉर्मल की तरफ आएगा, तो आपको लगेगा ये बेहतर हो रहा है। और फिर कुछ महीने लगते हैं, मतलब 2-3 महीने लग जाते हैं कि उसकी जो स्किन की रैश है और जो बाकी उसके किडनी के या कोई और लिवर के सिम्टम्स डेवलप हुए थे वो ठीक होते होते टाइम लगता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। अगर पेशेंट बेहतर नहीं हो रहा तो फिर आप डोज को बढ़ाएंगे और 100 से 150 के दरमियान में एडजस्ट करेंगे, लेकिन एक दफा अगर आप डोज बढ़ाते हैं तो कम से कम 3 हफ्ते वेट करना है, क्योंकि टाइम लगता है TSH को अपनी रेंज से थोड़ा कम होते होते, क्योंकि TSH बढ़ा हुआ है ना, TSH बहुत ज्यादा हुआ है तो उसको कम होते हुए टाइम लगता है, T3 और T4 को अपना एक्शन करते हुए और उस एक्शन के मैनिफेस्ट होते हुए टाइम लगता है, क्योंकि T4 की हाफ लाइफ भी 7 डेज है। ठीक है, तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि पेशेंट को बताना है कि आराम आराम, पहले उसकी गाइडेंस करनी है कि आराम आराम से आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, ये मसला है, दवाई से आपने कॉम्प्लाइंट रहना है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके सिम्टम्स नहीं ठीक होते डिस्पाइट के वो कहते हैं कि हम दवाई ले रहे थे, तो आपने उसमें पहली बात तो ये ध्यान रखनी होती है कि क्या पेशेंट दवाई से कंप्लाइंट है भी या नहीं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे करते हैं कि जब डॉक्टर के पास उन्हें पता हो कि जाना है उससे 2-3 दिन पहले अचानक से दवाई लेना शुरू कर देते हैं, उससे पहले नहीं लेते थे। ऐसे लोगों में आपको कैसे पता चलता है? आप TFTs कराते हैं और उनका T3-T4 नॉर्मल आता है, ठीक आता है, लेकिन उसके साथ साथ उनका TSH भी जो है ना वो जो बल्कि T3-T4 उनका इस तरह से आता है कि आप उन्होंने दवाई ले ली थी फटाफट से तो T3-T4 थोड़ा ज्यादा होगा, तो स्वेलन TSH को कम होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन उनका TSH भी रेज्ड होता है, जिसका मतलब ये होता है कि पहले वो दवाई नहीं ले रहे थे जिसकी वजह से TSH नॉर्मलाइज नहीं हो सका, क्योंकि सूरन तो TSH को कम हो जाना चाहिए, नॉर्मल हो जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं हुआ। और T3-T4 ठीक है, इसका मतलब है कि दवाई अभी अभी ली गई है और TSH को नॉर्मलाइज होने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये लोग इस तरह से बाहर हैं, इतनी डिटेल में आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, बस आपने ये बताना है। उसके बाद आपने अगली बात ये बात ध्यान में रखनी है कि इस्कीमिक हार्ट डिजीज अगर किसी पेशेंट को डायग्नोस्ड है पहले से कि वो एक इस्कीमिक हार्ट डिजीज का पेशेंट है या एंजाइना का पेशेंट है या उसके दिल में पहले से बाईपास है या स्टेंट डला हुआ है, तो उन लोगों में आपने लिवोथायरॉक्सिन बहुत एहतियात से देनी होती है, क्योंकि लिवोथायरॉक्सिन इज थायराइड हार्मोन, और आपको पता है कि थायराइड हार्मोन बॉडी के मेटाबॉलिज्म को एकदम से तेज करेगा, हार्ट बीट फास्ट होगी और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होगा, तो ये चीजें आपकी इस्कीमिक हार्ट डिजीज को वर्सन कर सकती हैं, इसलिए इन लोगों में आपने डोज को ज्यादा एहतियात से बढ़ाना होता है। 25 माइक्रोग्राम का फर्क करके आप इनमें बढ़ाते हैं, 50-50 का नहीं बढ़ाते, ठीक है, और ऐसी डोज पे सेटल करना होता है कि इनकी डिजीज हार्ट की वर्सन ना हो। अच्छा, प्रेगनेंसी में, क्योंकि आपको पता है प्रेगनेंसी खुद एक ऐसी स्टेट है जिसमें बहुत सारी चेंजेस हो रही होती है, तो इसमें क्या होता है कि फीमेल्स को और ज्यादा इंक्रीज डोज चाहिए होती है थायराइड हार्मोन की, क्योंकि उनकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म और ज्यादा मांग रहा होता है, क्योंकि एक फीटस भी अब होता है जो अंदर पल रहा है, ठीक है, तो नॉर्मली प्रेगनेंसी में आपको लेवल्स को ज्यादा मेयर करना होता है, और वैसे ही प्रेगनेंसी में हाइपोथायराइड जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डोज बढ़ा दी जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर आखिरी बात आ जाती है मिक्सिडेमाकोमा। मिक्सिडेमाकोमा का मतलब ये होता है कि वो पेशेंट जो सिवियर हाइपोथायराइडिज्म में चले जाते हैं और उनमें इतनी स्टेट खराब हो जाती है, उतना बॉडी का मेटाबॉलिज्म इतना स्लो हो जाता है कि वो कोमा और कन्वर्जन की स्टेट में आते हैं, तो आपके पास पेशेंट आते हैं बहुत ही डिसओरिएंटेड होता है, बेहोश होता है, कन्वर्जन फिट्स पर्ड होते हैं उसको, और आप चेक करते हैं और आपको एक सस्पिशन होती है कि इसको जाहिर कोई ना कोई इसी किस्म की चीज, अब आपको जाहिर है पेशेंट आया कोमा में है डीपली, आपके जहन में बहुत सारी बातें आ सकती है, हो सकता है उसको सिंपल इस्कीमिक स्ट्रोक हुआ हो सकता है कि उसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटी चल रही हो सकता है कि उसको यही वाला हाइपोथायराइडिज्म हो, तो ये सारी बातें आपके अंदर चल रही होती है, तो आप जब तक टेस्ट का वेट करें तब तक पेशेंट वेट नहीं कर सकता। अब उसमें क्या चीज आपको लेके चलती है, वो होती है हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, अगर उसकी हिस्ट्री में कोई थायराइड डिजीज की ऐसी कंडीशन है और उसका अटेंडेंट आपको बताता है कि ये दवाई लेते थे लेकिन पिछले इतने ऐसे से इनने दवाई नहीं ली, तो डेफिनेटली बात है कि थायराइड का मसला है, तो आपने तब रिजल्ट का T3-T4 के रिजल्ट का इंतजार किए बगैर पेशेंट को आपने इंजेक्टेबल IV T3 देना होता है, ठीक है, T4 नहीं, T3, क्योंकि उसका एक्शन रैपिड है। 20 माइक्रोग्राम की डोज आपने पहली देनी है और उसके बाद दिन में 3 दफा 20 माइक्रोग्राम की डोज देनी है जब तक कि पेशेंट की हालत बेहतर नहीं हो जाती, ठीक है, T3 से स्टार्ट करना होता है। जब पेशेंट आपको लगता है बेहतर हो जाए फिर आहिस्ता आहिस्ता आप उसको ओरल T4 पे ले आए 50 माइक्रोग्राम्स, पहले आहिस्ता आहिस्ता 50 दें फिर 100 कर दें,
ये होती है मैक्सिडियम अगम, उसके साथ साथ उसकी जनरल रिससिटेशन, उसकी आईवी फ्लूइड मेंटेनेंस और उसका बाकी बॉडी की इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज को देखना, प्लूरल इफ्यूजन तो नहीं होगी, एसाइटिस डेवलप तो नहीं होगी, पेरिकार्डियल इफ्यूजन तो नहीं होगी, हार्ट फेलियर में तो नहीं चला गया, क्योंकि हाइपोथायरायडिज्म की वजह से ये सब कुछ हो सकता है, वो भी आपने लाजमी मॉनिटर करना होता है मैक्सिडियम अगम के पेशेंट्स में। और अगर आपको शक है कि T3T4 की कोई हिस्ट्री नहीं और कोई स्ट्रोक वगैरह हो सकता है ये, तो फिर आप पेशेंट का एक काम ये करें कि स्टीरॉइड से स्टार्ट कर दें, क्योंकि स्टीरॉइड उस कंडीशन को कुछ ना कुछ बेहतर कर देती है। आप IM हाइड्रोकॉर्टिसोन दे देते हैं और उसके बाद आप रिजल्ट सारे आपने लैब वैल्यूज भेज दी होती है, रिजल्ट का इंतजार करते हैं। अगर रिजल्ट में आपका T3T4 ठीक आया और कोई और मसला आया तो फिर आप T3T4 के लिए इंजेक्टेबल नहीं देंगे, लेकिन अगर मसला आया आपका थायराइड का तो फिर आप इंजेक्टेबल देख देंगे इसका, ठीक है। तो अगर आपको हिस्ट्री बता रही है तो आपने डायरेक्ट थायरोक्सिन यानी कि T3 से स्टार्ट करना है, और अगर आपको हिस्ट्री बिल्कुल भी सजेस्टिव नहीं है तो फिर आपने स्टीरॉइड से स्टार्ट करनी होती है। और जनरल मैनेजमेंट साथ जरूर ध्यान रखनी है, जब मैंने आपको बता दिए SITs, इफ्यूजन, पेरिकार्डियल इफ्यूजन, हार्ट फेलियर वगैरह। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला हो कि ना आस्क मी, थैंक यू।